और ये हमने कोयला जलाने की टेक्निक निकाल ली है। अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी जी हम आए हुए थे बारबेक्यू का सामान लेने। हमने जी लिया है कोयला, ये भी कोयला है, ये गोश्त गलाने वाला कोई पाउडर है, ये हमने स्पेशल हैदराबाद से वो बारबेक्यू एक्सपर्ट मंगवाए हैदराबाद से। तो आज ये हमारे साथ बारबेक्यू करेंगे। ईद हो और बारबेक्यू ना हो भाई, मतलब अधूरा है यार ईद बारबेक्यू के बिना। वैसे तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी मनाने जाना था, लेकिन मैं स्पेशल इसके लिए रुका हूँ क्योंकि ये हैदराबाद से है। तो मैंने कहा यार अब अच्छा नहीं लगता है घर में मेहमान हो और मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ और पार्टी शार्टी करूँ तो ये घर में ऐसा बोर हो। तो अंगीठी का इंतज़ाम हो चुका है, ये सीखे हमारे पास पड़ी हुई है और ये हमने कोयला जलाने की टेक्निक निकाल ली है। कोयले जो है वो जल चुके हैं और फैन भी बंद कर दिया। ये इस बंदे ने नई टेक्निक निकाली है और ये जो हमने हैदराबाद से एक्सपर्ट बुलाया है, जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। चल चला चल, सही हो। ये बल्ब ऊपर था तो ऊपर से नीचे लेकर आया हूँ, थोड़ी रोशनी हुई है इसके आने से। खाली वाली सारा काम ये बेचारा कर रहा है। करना है काली कर दी है आधे खाने तेल ज्यादा लगाया। ये अबे इतनी थी है, ये क्या दोबारा खाई है तुमने? नहीं, जब मैं गया था तो इतने भरी हुई थी। अरे नहीं खाई है। खाई है इधर नहीं पाई। नहीं ला सीखे सीखे लगा दी जल्दी ला। हाँ ठीक, मैं लगाऊं? मैं आऊं? मैं गरम ही थी। हटो जा, मैं लगा लगा थोड़ा सा बचा जल्दी। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, टाइम नहीं है। मजा आ रहा है, हमने आपको हैदराबाद से एक्सपर्ट इसी वजह बुलाया। मजाक करें दे, मैं कर देता हूँ मैं कर देता हूँ। सही है, बहुत स्पाइसी है। तो बारबेक्यू हमने कर लिया है और बहुत स्पाइसी, इसने मिर्चें डाली हुई थी, इतनी को स्पाइसी थी कि मतलब खाया ही नहीं गया ना मुझसे। मैंने ज़बरदस्ती फिर भी खाया, मेरा गला भी ख़राब था फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खाया है। गला कहाँ से सही हुआ है और मुझे लग रहा है वो ख़राब हो जाएगा। और ये अभी हमाद आया हुआ है यहाँ पे, तो ये बोल रहा था कि मेरे पास ना टाइम ही नहीं है, तो अभी ये आया हुआ है, इसको हम चेक करा रहे हैं कि हमारा कैसा बना है। तो कैसा है हमाद? सही है ना? तो मतलब ये जो हमने हैदराबाद से एक्सपर्ट बुलाया है ये हमारे काम है। तो मैं जब से ब्लॉग शुरू किया तब से यही बात कर रहा हूँ कि ये हैदराबाद से एक्सपर्ट बुलाया। आप लोग भी सोच रहे कि ये बंदा है कौन, तो ये तो ये बंदा है जी मेरा मामू, ये मेरा सबसे छोटा वाला मामू। आपको देखने से लगेगा नहीं कि ये मेरा मामू है, लेकिन ये है मेरा मामू। और ये मतलब ऐसा है कि हमारे साथ ऐसे है कि मतलब दोस्तों वाला हिसाब है, तो लगता नहीं है कि मामू के मामू होते हैं ना, तो वो बड़े गुस्से वाले होते हैं। इसको 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 गुस्सा वुस्सा नहीं आता। अबे मैम मेरी शुक्र कर भाई, मैंने पता नहीं कैसे खाया है, मुझे लग रहा है मेरा गला ना ख़राब हो जाए। खुद पता नहीं खुद ऐसे खा के बोल रहा, बस रखा बाकी खा लेंगे बाद। तो बस यार यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना करो, और ज़्यादा पसंद है सब्सक्राइब करना करो, और ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों को बताना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।